अमरेंद्र बाहुबली यानी मैं बाहुबली यानी मैं माहिष्मती की असंख्य प्रजा और उनके धन मान और प्राण का रक्षक और महाराज भल्लाल देव की सर्व सेना का अध्यक्ष निरंतर अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए मुझे अगर प्राण भी त्यागना पड़े तो संकोच नहीं करूंगा। महेश्मती के आदेश के अनुसार आज हम सिर्फ SMG गन का चैलेंज करने वाले हैं और मेरे साथ है अनप्पा, मेरी प्यारी देवसेना और महेश्मती। अनप्पा मतलब गाइड्स अनु है, MS देवेश मतलब देवसेना है और क्रिएटर मतलब गाइड्स हमारी महेश्मती देवी है, मतलब जो सिर्फ आदेश देती रहती, करती कुछ नहीं है, बस ऐसे ही गाइड्स। तो यहाँ पे गाइज आज हम करने वाले दोस्तों ओनली SMG गन का चैलेंज और यहाँ पे गाइज सारे के सारे बंदे दोस्तों SMG गन यूज़ करने वाले हैं, फिर वो वेसेस हो, MP40 हो, MP5 हो, कुछ भी गन हो दोस्तों, हम सिर्फ यही करने वाले और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा दोस्तों, क्योंकि बाहुबली के थीम पे गाइज हम ये वीडियो बना रहे, तो बाहुबली का यूज़ करूँगा। लेकिन दोस्तों स्टार्टिंग में थोड़ी सी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता था, इसकी वजह से गाइज मैं नॉर्मल बोल रहा हूँ, लेकिन गाइज अभी भाई मैं शुद्ध हिंदी का प्रयास करूँगा बस। ठीक है चलिए गाइज शुरू करते हैं। तो हमारे शस्त्र भंडार से हमने दो शस्त्र उठाए, एक शस्त्र नज़दीक में काम करेगा, एक शस्त्र दूरी में काम करेगा। और हमारे जितने भी सहकारी है जिनको जो जो शस्त्र रखता है वो सब हम माहेश्वरी शस्त्र भंडार से लेने वाले हैं और ये माहेश्वरी शस्त्र भंडार बहुत ज़्यादा विशाल है और यहाँ पे हम हमारे माहेश्वरी शस्त्र भंडार से आगे जाने के बाद हमें जितने भी कालक्या के आदमी मिलने वाले हैं, जितने भी कालक्या के दुश्मन मिलने वाले, हम सबको ख़त्म करके कालक्या को मार के माहेश्मती का ताज लेना है जो कि है जिसका नाम है पुया। तो यहाँ पे सबसे पहले हम माहेश्मती राज्य से बाहर आते ही कालक्या के सेना ने हम पे हमला बोल दिया है और यहाँ पे कालक्या का पहले सैनिक मेरी तरफ आते हुए मैंने उसको थोड़ा सा घायल किया और उसने अपना कवच लगा लिया। यहाँ से फिर से मेरे सेना का मनोबल बिगड़ते हुए मैं यहाँ पे अंदर गया, कालक्या का और एक सैनिक यहाँ पे आया, मैंने उसको नज़दीक से शस्त्र से थोड़ा सा घायल करने की कोशिश की और ये यहाँ पे वो अभी युद्ध करने की अवस्था में नहीं है। कालक्या का यहाँ पे एक और सैनिक हमारे सैनिक का मनोबल बिगाड़ते हुए और फिर से हम जाएंगे अपने सैनिक का मनोबल बनाए रखने के लिए। यहाँ पे कालक्या का एक और सैनिक है जो कि यहाँ पे कहा गया, यहाँ से एक और कालक्या का सैनिक आया जिसको और एक बहुत ही शानदार तरीके से कालक्या के सैनिक को पूरा यहाँ पे ख़त्म करते हुए हमारे सारे सेना का मनोबल, शस्त्र अस्त्र सब कुछ ठीक ठाक करते हुए हम यहाँ पे कालक्या के पहले सैनिकों को मारने में सफल रहे। और यहाँ पे देखते हैं क्या हमें और कालक्या के सैनिक मिलेंगे, जितने हमें कालक्या के सैनिक ज़्यादा मिलेंगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। तो यहाँ पे हमारे हिसाब से सैन्य तो और यहाँ पे उनका रथ यहाँ पे फिर से आ चुका है कालक्या के सेना का और देखते हैं यहाँ पे क्या कालक्या के सेना हमें मार पाएगी या हम कालक्या के पूरे सैनिक को मार कर कालक्या को मार कर बुया ले पाएंगे। कालक्या की यहाँ पे पूरी रथ भर के सेना आ चुके हैं लेकिन हम भी हमारा मनोबल कम नहीं होने देंगे, कालक्या के पहले सैनिक को यहाँ पे घायल करते हुए वो अभी युद्ध करने की स्थिति में नहीं है। यहाँ पे कालक्या के दूसरे सैनिक की तरफ बढ़ते हुए क्या हम कालक्या के सारे रथ वाले सैनिक को मार पाएंगे? यहाँ पे कालक्या के पूरे घायल सैनिक को पूरा ख़त्म करेंगे और जिससे सारे नए नए शस्त्र हम उठा लेंगे। और यहाँ से हम आगे जाते हुए क्या हमें कालक्या के और एक सैन्य मिलेंगे? और यहाँ पर हमारे भी योद्धा बहुत ही बढ़िया तरीके से कालक्या के सेना को तोड़ देते हुए, पत्थर का जवाब पत्थर से देते हुए यहाँ पे कालक्या का एक एक सैन्य को ख़त्म करते हुए। और यहाँ पे कालक्या के सामने से एक और सैन्य आया और जिसको थोड़ा सा मैंने घायल किया और यहाँ पे वो अभी युद्ध करने की स्थिति में नहीं है।
जिनका रथ को भी गाइस हमने कब्जा कर लिया है। यहाँ पे कालकिया का एक और सैनिक को पूरा हमने ख़त्म कर दिया है और यहाँ पे कालकिया का रथ भी हमारे पास है जो कि हमने हमारे माहिष्मती भंडारव के लिए भिजवा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कालकिया का यहाँ पे एक और रथ पड़ा हुआ है जिसका रथ का उपयोग करके हम अभी कालकिया से मिलने जाएंगे और उससे युद्ध करेंगे रणभूमि पे। इसी रथ का उपयोग करके हम समय सूचक इमारत पे सारे के सारे योद्धा आ चुके हैं और यहाँ पे देखने वाली बात है कि क्या हमें यहाँ पे भी कालकिया के सैन्य को सामना करके आगे जाना पड़ता है या फिर हमें कालकिया का सैनिक नहीं मिलता है। और यहाँ पे हमने हमारे गीदड़ से पता लगा लिया है कि यहाँ पे कालकिया का एक और सैनिक है जिसे हमें मारना है। तो देखते क्या हमें कालकिया का सैनिक यहाँ पे देखो हमारे गीदड़ ने हमें इशारा कर दिया है कि यहाँ पे कालकिया का एक और सैनिक है। चलिए उसको भी अभी थोड़ा सा घायल कर दिया मैंने और लगता है अभी वो यहाँ पे कालकिया का एक और सैनिक है जिसको हमने मारने की कोशिश की लेकिन उसने उसका कवच कुंडल लगा लिया है और जिसके कारण मैं उसे मार नहीं पा रहा था लेकिन हमने उसको मार दिया है। चलो उनके पास से हम अच्छे से शस्त्र तलवार जिनकी बहुत बढ़िया धार है वो उठा लेंगे और फिर बाद में हम हमारी रणभूमि पीक की तरफ जाएंगे जहाँ पे कालकिया का और माहिष्मती का आखिरी युद्ध होने वाला है। और यहाँ पे हमारे जासूस ने हमें बता दिया है कि कालकिया अभी पीक पे रुका हुआ है, पीक नामक रणभूमि पे है। तो अभी हमारी सारी की सारी सेनाएं पीक नामक रणभूमि की तरफ प्रस्थान करेगी बहुत लंबा सफ़र तय करने के बाद। यहाँ पे आखिर में हम पीक नामक रणभूमि में आ चुके हैं और यहाँ पे सबसे पहले हमें कालकिया के आदमियों ने देख लिया और हमने उन पे वार करना चालू कर दिया लेकिन वो अभी बचकर निकल गए। क्या है मृत्यु? हमारे आत्मबल से शत्रु का बल ज्यादा है ये सोचता है मृत्यु। रणभूमि में शत्रु से भयभीत होकर जीवित रहना है मृत्यु। उस मृत्यु को मारने जा रहा हूं मैं। मेरी माँ और मातृभूमि को कोई नीच पापी छू नहीं सकता। उनकी छाती चीर कर उन सबको ये कहने जा रहा हूं मैं। तुम मेरे साथ हो मुझे मारने वाला पैदा नहीं हुआ मामा। और यहाँ पे मुझे अनप्पा ने शत्रु से बचा लिया है और यहाँ पे हम जा रहे हैं अभी कालकिया को मारने के लिए। और यहाँ पे मेरे एक शत्रु का मनोबल बिगड़ते हुए लेकिन फिर भी हमें कालकिया को मारना है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या हमें कालकिया मिल पाएगा कालकिया को मारने के लिए? बस हमें अकेले कालकिया को ही ख़त्म करना है फिर बाद में हमें मिल जाएगा माहिष्मती साम्राज्य का ताज जो है पुया। कालकिया बहुत ही शानदार तरीके से चकमा देते हुए यहाँ पे उसने ढाल का कवच बना लिया है और क्या हम उसे कवच के अंदर जाकर मार पाएंगे? मेरे पास आग छोड़ने वाली गन है, क्या मैं इससे उसे मार पाऊंगा? और यहाँ पे हमने फाइनली कालकिया को मार दिया है। हमारे अनप्पा ने कालकिया को मार दिया है और यहाँ पे हमने माहिष्मती का ताज जो बुया है उसे हमने ले दिया है। और अभी गाइस मैं मेन रोल में आता हूँ गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ यार गाइस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करो दोस्तों और कमेंट में बताओ गाइस कि मुझे नेक्स्ट चैलेंज क्या करना है दोस्तों। और अगर आपको ऐसे मूवी टाइप कमेंट्री अच्छी लगती है तो वो भी गाइस मुझे कमेंट में बताओ, हम ज़रूर आपके लिए नई मूवी से नई कमेंट्री लेकर आ जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं गाइस अभी नेक्स्ट वीडियो में।